एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो शादियाँ हैं, कुछ अटेंड कर चुके हैं, कुछ बाकी हैं। तो दो तीन शादियों में मैंने सूट ही डाल लिए थे, अब मैंने निकाली हैं सारी साड़ियाँ अपनी बेड में से। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ साड़ी कौन कौन सी मेरे पास है, कैसा कलेक्शन है। अभी कोई नहीं खरीदी है, सब पहले की हैं। तो बस यही साड़ियाँ मैं इन शादियों में भी यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, और आप बताना कौन सी साड़ी आपको मेरी सबसे अच्छी लगी। तो कई साल पुरानी साड़ियाँ भी हैं इसमें, कुछ एक दो साल पहले पुरानी साड़ियाँ भी हैं। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको अपनी साड़ियाँ। ये लाइट अच्छी ना जो जलाई है। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ ये आपको रेड और ग्रीन कलर की साड़ी। ये ना हाफ नेट में भी है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। और मैंने ये करवा चौथ पर पहनी भी थी। तो ये साड़ी है, और ये शादी ब्याह के फंक्शन वगैरह में यूज हो पाती है या फिर त्योहारों पर। तो ये साड़ी ऐसे है कुछ, और जिनकी पिक होगी ना मेरे पास तो मैं उनकी पिक साइड में लगा दूंगी। ये एक साड़ी, और ये साड़ी बहुत चली थी ये साड़ियां, कुछ बहुत साल पहले की है, कम से कम 10 साल पुरानी साड़ी है ये, लेकिन आज तक भी ऐसी की ऐसी है। बहुत सुंदर कलर लगा था इसलिए मैंने ये ली थी। इस पे हो रखा है सिप्पियों का वर्क कुछ, आपको दिखा देती हूँ आगे से। ये इस तरीके की साड़ी है, इस तरीके का काम हो रखा है इस पे। और मैं साड़ियों को ना ऐसे जो पॉलिथीन होती है ना काम से, इसी में डाल के रख देती हूँ ताकि इनकी चमक वगैरह खराब ना हो। और ये है क्रीम और ऑरेंज, ये हैवी हैवी साड़ियाँ ना तभी निकलती हैं जब कोई शादी ब्याह होते हैं, बस ये ऐसे रखी ही रहती हैं। ये देखो ये है ऐसे, जब पहनूंगी ना शादी वगैरह में तब आपको अच्छे से दिखेगी। ये इसका पल्ला है, अरे ये मेरी फेवरेट साड़ी, बहुत प्यारी लगती है ये साड़ी मुझे बहुत ज्यादा। दिल करता है हर बार इसी साड़ी को पहन लूं, हर बार हर फंक्शन में ऐसा लगता है यही साड़ी पहन के चलूं, इतनी फेवरेट है ये साड़ी मेरी। पूरी भरी हुई है, और ये मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने कई जगह पहनी हुई है, बहुत बार पहनी हुई है। ये देखो पूरी साड़ी ऐसे भरी हुई है, दिखा देती हूँ। ये बहुत प्यारी लगती है, और इसका ब्लाउज भी ऐसा है, और इस पे ना मैंने पीछे पीछे की तरफ हुक लगवाए हुए हैं बैक में, और इसकी लटकन बहुत प्यारी है। ये साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी लगती है मेरे को, बहुत ज्यादा। मुझे ना ये पिंक कलर बहुत फेवरेट है मेरा, क्योंकि इसलिए एक ये वाली साड़ी, ये साड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। इसमें वर्क कम है थोड़ा सा, पर अच्छी बहुत लगती है, कलर भी बहुत प्यारा है इसका। ये कुछ सी ग्रीन कह सकते हैं, थोड़ा ब्लू शेड ऐसा कुछ है इसमें, और इसमें वर्क हो रखा है मिरर का पूरे बॉर्डर पे और नीचे भी दोनों तरफ बॉर्डर पे वर्क हो रखा है। और इसका ब्लाउज भी ऐसा है, ये साड़ी ग्रीन कलर की, ये भी हाफ नेट में है। और ये साड़ी मेरी फेवरेट है क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे करवा चौथ पर गिफ्ट की थी,
मतलब फोर्थ या फिफ्थ करवा चौथ था, उस पर ये मेरे लिए लेकर आए थे करवा चौथ वाले दिन, जैसे रात को आए थे तो ये वाली साड़ी वो लेकर आए थे, तो उस करवा चौथ पर तो मैं पहन नहीं पाई थी, तो मैं नेक्स्ट करवा चौथ पर इसको पहनना था। ये साड़ी का कलर बहुत प्यारा है, वर्क भी बहुत अच्छा है इसका, और नेट में है ये, हाफ नेट में है ये, इसका पल्लू है ये, और इन्होंने पहली बार ये मेरे लिए साड़ी खरीदी थी अपने आप खुद जा करके, और ये सारा नीचे से है वर्क पूरा, और ये घर में सबको बहुत पसंद आई थी जब सब लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। ये साड़ी है बहुत सुंदर, इसका भी ये वाला ब्लाउज है सिंपल सा। अब ये फैला लिए, अब इनमें फोल्ड करने में टाइम लगेगा काफी। और हाँ जी, ये साड़ी ये लास्ट ईयर ली है मैंने तीजों पर ली थी, क्योंकि मेरा बर्थडे भी होता है अगस्त में और तीज भी थी, लेकिन मैं उस टाइम पहन नहीं पाई थी, तो मैंने इसको पहना था करवा चौथ पर लास्ट ईयर के। ये साड़ी भी बहुत सुंदर है, ये हस्बैंड को बहुत प्यारी लगी थी, कलर वगैरह सब, और इसे पूरा ना वर्क हो रखा है, मैं आपको आगे से दिखा देती हूँ, इस पर हो रखा है पूरा वर्क, पूरा ये ऐसी की ऐसी है, ये हो रहा है नीचे से इस तरीके की है ये, दिखा रही हूँ आपको वर्क कैसा है इस पे, पूरे में साया सा वर्क है, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारी लगी थी जब मैंने इसको पहना था करवा चौथ पे, बहुत सुंदर। और इसका ब्लाउज मैंने बनवाया था कट स्लीव में, आज साड़ियों का पिटारा खोल के बैठ रही हूँ। एक है ये पिंक साड़ी, ये भी पता नहीं कितने साल पुरानी है, 12 साल पुरानी साड़ी है, इसमें भी वर्क बहुत सुंदर है। एक ये साड़ी, और एक मैं दिखाती हूँ आपको, हाँ ये जो साड़ी दिखाई थी ना मैंने आपको, ये दोनों साड़ियां मैंने इकट्ठे ही खरीदी थी, एक ही दिन जाके दोनों साड़ियां खरीद के लेके आई थी। तो इसका पल्लू है कुछ इस तरह, और ये साड़ी भी मैंने बहुत बार पहनी है, बहुत ज्यादा बहुत बार पहनी है ये साड़ी भी मैंने। और देखिए ये है पिंक कलर की साड़ी, पिंक कलर में डाली ना मुझे पसंद है, पर ये पिंक से थोड़ा सा डार्क है, और इसका पल्लू है ऐसा, और मैं आपको बैठ के दिखा रही हूँ क्योंकि खड़े खड़े मैं थक जाऊंगी, इसलिए थोड़ी हैवी वाली, बाकी जो नॉर्मल है वो तो मैंने निकाल के भी रखी है, वो तो रखी हुई है ऐसे ही, उनको कभी दिखाऊंगी। ये है नेट की साड़ी पूरी, और ये है, ये मैंने 2014 में बनवाई थी, शादी थी तो वहां के लिए बनवाई थी, और ये मैंने चांदनी चौक से ली थी, ये भी चांदनी चौक से ली हुई है, और जो मैंने आपको पिंक साड़ी दिखाई थी दिवाली, ये भी मैंने चांदनी चौक से ली थी। इसको दिखा देती हूँ मैं, ये बहुत हैवी साड़ी है, नेट में है, फुल नेट में है ये साड़ी फुल नेट में है, और इस साड़ी का कलर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर साड़ी है, ये भी बहुत प्यारी साड़ी।
ये ड्राई क्लीन करवा के रखी हुई है, तो इसमें ये लगा हुआ है टैग वगैरह भी और इसमें पेपर भी लगा हुआ है, तो मैं इसको खोल नहीं रही हूँ, जब पहनूंगी तब देख लेना आप। ये ग्रे कलर में बॉर्डर पल्ले की जो साड़ी होती है ये उस टाइप की है, इसका ब्लाउज और ये साड़ी। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से है, ये डार्क ग्रे कलर होता है, कौन सा कलर बोलते हैं इसको, वही है, पूरी वर्क हो रखा है इस पे भी नीचे हाफ में, और ये है बॉर्डर, चौड़ा सा बॉर्डर है इसका। ये साड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, मैं पहनती हूँ तो बहुत अच्छी लगती है, सुंदर सी। इसके ऊपर गोल्डन कलर के इयररिंग्स और नेकलेस वगैरह डालो गोल्ड का, बहुत प्यारा लगता है। तो बस ये साड़ियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं, नॉर्मल साड़ियाँ रखी हुई हैं वो फिर किसी दिन दिखाऊंगी, आज के लिए बस इतना ही। और आप ये बताना ज़रूर मेरे को कि कौन सी साड़ी आपको सबसे अच्छी लगी, ये वाली साड़ी अच्छी लगी, ये वाली लगी, कौन सी साड़ी सबसे ज़्यादा प्यारी लगी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं शादियों में इनमें से ही कोई सी साड़ी पहनने वाली हूँ, 2-3 शादियों में, तो देखती हूँ कौन सी पहनती हूँ, हो सकता है जल्दबाजी में हुई तो फटाफट से कोई और साड़ी भी पहन सकती हूँ इनके अलावा भी। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।